राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी के गठबंधन के बाद बागपत की सीट जो राष्ट्रीय लोकदल की परंपरागत सीट है और यहाँ से मोस्टली आरएलडी जीतती आई है, वो सीट अब चली गई है आरएलडी के खाते में। यहाँ से जो दो बार के सांसद थे सत्यपाल सिंह, वो अब यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और यहाँ पर आरएलडी ने अपने प्रत्याशी बनाए हैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान। जो बाकी दलों के प्रत्याशी हैं वो अभी आना शेष हैं, लेकिन उससे पहले जो चुनाव को लेकर जलसे हैं उनकी शुरुआत हो गई है। मैं मेरठ के एक गांव में हूं जिसका नाम खेवाई है और अब ये नगर पंचायत है और यहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी मुस्लिम समाज की है। आपको बता दें कि ये इलाका मेरठ ज़िले का ज़रूर है लेकिन ये बागपत के हिस्से में आता है। तो यहाँ पर चुनावी हवा क्या है, जो किसान हैं उनकी समस्याएं क्या हैं, दिक्कतें मुश्किलात क्या हैं और इस गठबंधन से बदला क्या है, हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आप ये बताओ कि यहाँ पर मोस्टली लोग किसान हैं, तो आप लोग किसानों की पार्टी आरएलडी को सपोर्ट भी किया, आपने पिछली बार यहाँ से विधायक भी बने थे आरएलडी से, तो अब कोई परिवर्तन नज़र आ रहा है, जैसे अब ये दूसरा गठबंधन है वो अब बदल गया है? नहीं, यहाँ तो आरएलडी का ही जीतता है, आरएलडी का ही जीतेगा, ये सीट आरएलडी की है। ये कहा जाता है कि मुसलमान जो हैं वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते। बीजेपी तो सपोर्ट कर रहा है और फिर यहाँ नलगे का पर्चा, ये तो आरएलडी का पर्चा, आरएलडी का, हाँ ये तो सपोर्ट ही सपोर्ट है इसका। तो ये जो बात आप कह रहे हो, ये चुनाव में जब वोट डालने जाओगे तब तक रहेगी या केवल मेरा मन नहीं, मेरा नहीं, चेहरा देख? नहीं, ये जो आदमी आया है इस सीट पे, ये बहुत बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया आदमी, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा। ना इसमें हिंदू का ना मुसलमान का, जैसे भी है ये सबके लिए। आप आदमी को वोट दोगे ना कि बीजेपी या आरएलडी को? नहीं, आरएलडी को वोट दे रहे हैं, आदमी को भी दे रहे हैं, पार्टी को दे रहे, पार्टी को दे रहे। बीजेपी से गठबंधन है, इससे कोई लेना नहीं? इससे क्या लेना था, नहीं हमें तो आरएलडी से है, आरएलडी को वोट देंगे। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, पूरे वेस्टर्न यूपी में एक माहौल सा बनाया कि साहब अब जो गठबंधन है वो सपा से टूट गया, कांग्रेस से टूट गया, तो अब शायद मुस्लिम वोट कट जाए। नहीं देखो, सपा और ये पहले भी जब इनका गठबंधन था जब भी सपा को वोट उसे आरएलडी को दी थी यहाँ तो वोट, और अब भी आरएलडी को वोट दे। जो आसपास के इलाके हैं वहाँ क्या माहौल है? सब इसी पे वोट पड़ेंगे, मोमडोन के वोट इस पे पड़ेंगे आरएलडी पे। आदमी अच्छा दे दिया, आदमी भी अच्छा, पार्टी भी अच्छी, पार्टी को वोट मिलेंगे। पार्टी है जो भी तन मन से हमदर्द करे है, यही पार्टी करे है और कोई नहीं देखता। और ये जैसे मुजफ्फरनगर की बात ले लें, मेरठ की बात ले लें, उधर शामली की बात ले लें, देखो जो उधर के बारे में तो हमें पता नहीं, हम अपने क्षेत्र के बारे में पता है, यहाँ तो आरएलडी को वोट दे रहा। तुम्हारी रिश्तेदारियाँ वगैरह तो होंगी? रिश्तेदारी तो हैं, पर इसमें हमने भी पूछताछ नहीं करी इस बारे में उनसे लोगों ने। हाँ, पर लगता है कि चुनाव जब तक होगा यही माहौल बना रहेगा। यहाँ तो जी यू पार्टी जीतेगी बहुत अच्छी वाली, अच्छी वोट जीत जगह। तो सांगवान जी कितने दिनों से काम कर रहे हैं इस इलाके में? देखो जी, हम तो कई योजना से हमें इस मामले का होशियार, जब से इस सांगवान जी टिकट के इच्छुक हैं, टिकट के इच्छुक हैं, अब के इसकी टिकट मिल गया, सबकी मिला है टिकट, अब तो मिला है। अब पिछली बार हवा उड़ गई थी कि विधानसभा में भी टिकट मिल रहा, नहीं मिला था जब भी, अब मिला, अब मिला है। आप बताओ, आप तो नौजवान हो, माहौल क्या है, जो रोजगार है उसका क्या माहौल है पूरे इलाके में? सही है, या आरएलडी को आरएलडी को वोट दे रहे हैं? यहाँ तो पहले भी आरएलडी को दी थी वोट, अब भी। मैं वोट के नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि जो रोजगार का स्थिति है वो क्या है, लोगों को काम वाम मिल जाता है कि नहीं? काम तो मिल ही रहा, काम में क्या हो रहा, काम तो मिल ही रहा वजह से मिल रहा, सबको पता, कोई पता लगी ना पता। जैसे लखनऊ में बैठे हजारों लोग बताते हैं जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी तरह का काम मिल रहा है? यहाँ प्रदर्शन ना करते शहरों में, लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं, नहीं काम वाम तो ऐसे मिल रहे हैं। अच्छा। भैया गाँवों में कहाँ प्रदर्शन करे, क्या करे प्रदर्शन, यहाँ गाँवों में करते ही नहीं है, शहरों में प्रदर्शन करे हैं। गाँव में कौन सुन रहा, गाँवों में प्रदर्शन ही कर लो, ये अपना काम हिला देख के अपने थोड़ा बहुत एक दो बीघा धरती मजदूरी पे चले जाएं लोग, अभी प्रदर्शन करेंगे तो भूखे नहीं मरेंगे। अच्छा, ये कहा जाता है कि जैसे किसानों की पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल,
लेकिन अब बीजेपी से जो पार्टी सत्ता में है, जो सरकार में, उससे गठबंधन हो गया। तो पहले बीजेपी भी नहीं सुनती थी, अब शायद राष्ट्रीय लोक दल भी नहीं सुनना बंद हो जाएगी किसानों की बात। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो किसी से लोक दल किसी से ही गठबंधन कर लो, ये मुसलमान वोट इसी देवे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, ज़्यादातर इसी का ही मामला। मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। 2013 में जो मुजफ्फरनगर शामली में दंगे हुए, उसके बाद से तो बंद कर दिया था वोट देना। किसको? आरएलडी को। नहीं, आरएलडी को तो पहले से वोट मिल रहा है। बागपत से और मुजफ्फरनगर से चौधरी अजीत सिंह हारे नहीं? हाँ हारे, पर वोट तो दी है। अब हारना जीतना तो अब किसी का हाथ में नहीं है। अच्छा, वोट दी? हाँ वोट दी, सब ने वोट दी। विचारधारा से कोई लेना देना नहीं? ना, लोग ये गांव में तो ज़्यादातर, पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो लोक दल का ही सिक्का चला है। आप रोटी रोजगार की बात कर रहे हैं? जी, रोजगार तो हमें बीजेपी सरकार में बहुत ही कम मिला है। नौजवान हम बेरोजगार हो गए बहुत, पर अब ऐसा है हम इनसे अलग नहीं जा सकते। ये जमीनी नेताओं को टिकट दिया, इन्होंने वोट तो हमें नहीं दी सागवान जी को। वैसे हम इनके उससे संतुष्ट नहीं थे, अब सागवान जी के उससे आने से हमें वोट ही नहीं देनी पड़ेगी। अच्छे नेता हैं, बहुत जमीनी नेता हैं। बीजेपी से आपका कोई वास्ता नहीं? जी नहीं, केवल सांगवान जी और आरएलडी को देख के वोट? सांगवान जी के चेहरे पे वोट दे रहे जी। जी, बीजेपी ने तो हमें बेरोजगारी बना दिया, हम पढ़ लिख के बिल्कुल बेरोजगारी होगी। तो बीजेपी, ये बात कही जा रही थी कि जैसे सपा से गठबंधन टूट जाएगा तो उसके बाद जो आरएलडी है उसको मुसलमानों का वोट नहीं मिला जी। अगर सांगवान जी का टिकट ना होता तो यहाँ मोमडन वोट बहुत ही कम मिलता जी। अगर केवल आदमी की वजह से? जी, बहुत जमीनी चेहरा, अच्छे आदमी है, बहुत नेक इंसान है, 45 सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। पार्टी से भी कोई लेना देना? जी नहीं, सांगवान जी के चेहरे पर वोट दी जा रही है। जी जी, बीजेपी में जाने से पार्टी से बैठिए थे, सागवान की वजह से वोट मिलेंगे यहाँ। तो ये मान लिया जाए कि जैसे यहाँ के अलावा बिजनौर से कोई लड़ रहा है तो वहाँ शायद मुसलमानों को वोट ना जाए? वहाँ का नहीं पता जी हमें, हम तो अपने यहाँ का बता रहे, सागवान की वजह से वोट मिल रही है यहाँ। वहाँ का नहीं पता हमें, दूसरे क्षेत्र का तो नहीं पता होगा। तो यहाँ पे और चुनावों में तो आप करते होंगे ना सपोर्ट आरएलडी को, बीजेपी को? हाँ, और बीजेपी को नहीं करते। अच्छा, लोक दल को? अब बीजेपी में चलेगी लोक दल तो हमने छोड़ दी। अच्छा, अब सागवान की वजह से देनी पड़ेगी वोट। लेकिन ये तो जो जयंत चौधरी हैं, जब गठबंधन था समाजवादी पार्टी से, वो कहते थे कि साहब चवन्नी नहीं जो पलट जाए। हाँ, उस बारे में तो नहीं पता जी, वे क्यों पलटे, क्या बात है, इस बारे में तो हम जानते नहीं, इस बारे में नहीं जानते हम। यहाँ केवल व्यक्ति का चुनाव है ये मान लिया जाए? हाँ जी, यहाँ सागवान को वोट मिल रही है, बस सागवान की ही बात है। 40 सालों से वो यहाँ पर सक्रिय? बहुत दिन से वे उसके चक्कर में थे, इलेक्शन का टिकट मिला, उन्हें मिला नहीं, अब की बार मिला उन्हें टिकट। हाँ। तो उसी की वजह से उन्हें वोट मिलेंगी और जीतेंगे भी। जीतेंगे बिल्कुल, कोई नहीं हरा सकता। और इधर अगर आसपास और देख ले, मुजफ्फरनगर शामली मेरा क्षेत्र का नहीं पता जी हमें, हमें तो बस अपने यहाँ का पता। हम इतने गाँव करें, जिसने जो काम अच्छा करा है इस खिवाई के लिए, जितना भी काम अच्छा हुआ है तो वो आरएलडी की उससे हुआ है, और किसी को उससे तो हुआ नहीं जी। अब जो काम है, जो सरकारी आदमी वे पढ़े लिखे भी है, उनके पढ़े लिखे योगी सरकार में तो आज लोग कुछ हमने देखा नहीं जी किसी के लिए कि क्या हुआ क्या नहीं। अब की बार मौका इससे मिल रहा है तो अब की बार इसे देख लेगा क्या। इनका तो चक्कर यह है कि गठबंधन कभी किसी से कर लेते हैं, कभी किसी को छोड़ के उससे कर लेते हैं, इसमें तो हमारा कोई मैटर नहीं रहा। गलती है अपना आप कर रहे, कभी गठबंधन उससे करते हैं, कभी उससे करते हैं, हम क्या करें जी, फिर किसकी तरफ भगे हम? आप किनारे खड़े रह गए? हमारा तो नारा ही खड़ा रहेगा, जो हमारी खिवाई का है, जो आदमी, जो व्यक्ति जितना भी है, जिसकी सपोर्ट में रहेगा पूरा गांव, हम तो उसके साथ ही हुए गे। हम तो अकेले कुछ कर नहीं सकते भाई, जो बड़ा कर रहा है वो फिर छोटा भी उसके साथ के रहेगा। मतलब तो ये हो रहा है कि ये गठबंधन कभी तो किसी के साथ में, कभी किसी के साथ में, आदमी कहाँ कहाँ तो घूमे, किस किस के साथ घूमेगा। ये मान लिया जाए कि जो आप लोगों में जो बड़े बुजुर्ग जिनसे हमने बात की, वो बिल्कुल सॉफ्ट स्पोकन है, वो कह रहे हैं कि साहब हम तो आरएलडी और राजकुमार सांगवान के मानने वाले। मान ले आरएलडी ठीक है, किसानों के लिए भी ठीक है, हर चीज़ के लिए ठीक है। अब जो सरकार जो है, जिस किसान को सुकून नहीं दे पा रही, अब उसी से ही टिकट हो चुका, उससे गठबंधन हो चुका, तो अब आगे क्या होगा फिर, जब उन्हें अभी बढ़ने कर तो गठबंधन क्या कर लेगा। इस बात को लेके आप में नाराजगी है? नाराजगी है किसानों को, सारी नाराज किसानों के लिए। गन्ना बताओ कौन सा इतना रेट बढ़ रहा, सब किसान परेशान है। आपको लगता है कि आपको किसानों की बात करने वाला नहीं है? किसानों की बात कौन कर रहा है, कोई भी नहीं, बस ये देख रहा है नारा लगाना, कहाँ भाई पार्टी आ रही, दलगा दो नारा।
बात तो समाज की है, वो देखना है कि किसानों को क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, सब अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हैं। वहाँ 7 सीट मिली थी, वहाँ 7 पिन थे, अब यहाँ 2 पाक रुक गई है। तो यहाँ तो हम इन्हें जमीन नेता, हमें तो सांगवान जी के उससे वोट देनी पड़ेंगे, हम तो बिल्कुल सख्त खिलाफ थे, नाराज थे इस चीज से, गठबंधन से भी नाराज। जी जी, गठबंधन से नाराजगी की वजह आखिर क्या केवल इसलिए कि वो बीजेपी के साथ चले गए? नहीं, बीजेपी से हम क्यों नाराज होंगे भाई, वो बीजेपी तो देखो इस देश की मालिक है, इस टाइम प्रधानमंत्री हैं देश। नाराज होकर कर भी क्या लोगे, क्या कर लेंगे नाराज होकर, वह हमारा तो काम, हमारे क्षेत्र में काम होना चाहिए। जो अगर हमारा जिस पार्टी से हम जोड़ेंगे, हमारा नेता जीतेगा तो क्षेत्र में विकास होगा, काम होगा। अभी हमारा आपके सामने नजर अस्पताल है, पिछले 10 साल से बना हुआ, आज तक इसमें एक डॉक्टर नहीं आया, तो हमें क्या फ़ायदा? हम अगर इसके खिलाफ भी बीजेपी के जाऊंगे तो हमें फ़ायदा क्या होगा? अगर यूँ इन्होंने गठबंधन करा इस, यहाँ ये सागवान साहब को टिकट बता रहे इन्होंने दिया गया, अगर वे जीत का होंगे तो हमारे क्षेत्र में विकास होगा। आपको है उम्मीद? है उम्मीद है, बस भाजपा की सारी वोट हैं, जाटों की सारी वोट है, मुस्लिम भी वोट देंगे। एक चीज़ बताओ, आदमी या तो कहीं गलत होता है या कहीं सही होता है, तो क्या आप ये मान रहे हो पिछली बार सपा से गठबंधन था RLD का, और आपने यहाँ से गुलाम मोहम्मद को जिता दिया RLD के कैंडिडेट को, तो वो गलती की, इसी वजह से 2 साल विकास रुक गया? नहीं, गलती तो देखो, हमने जो वोट दी थी पहले गुलाम मोहम्मद साहब को ही दी थी, ठीक है, अब के भी हमने गुलाम मोहम्मद साहब को दी, जीत गए, पर जीतने के बाद भी विकास नहीं होया। विकास नहीं हुआ क्योंकि सरकार उनकी नहीं है। अगर जिस पार्टी से यहाँ नेता जीतेगा उनकी सरकार होगी, जब भी तो विकास होगा। अब मैंने आपको कहा कि इसको देखो, अस्पताल ही है, 10 साल हो गए, बीच का रास्ता पकड़ लिया इन्होंने, बस जो पकड़ा, बात करो इनसे, बताएगा सारा। मेरा कहना यह है कि जैसे आपके जो सीनियर लोग हैं वो बीच का रास्ता पकड़ लिया, उनका कहना है कि चाहे BJP हो RLD हो, जो सत्ता से जुड़ा हुआ है तभी डेवलपमेंट गांव में आएगा। भाई जब काम अच्छा होगा तो जब इसके साथ में जुड़ेगा तो फिर हम भी उसके साथ में जुड़ेंगे, जब बड़ा मार से जुड़ेगा तो छोटे खुद जुड़ जाएगा अपना। अगर डेवलपमेंट कराती है सरकार BJP की, तो आप उसकी तरफ चले जाओगे, फिर मानोगे उसकी बात? बस उसकी बात तो फिर माननी पड़ेगी, जब बड़ा जो कर रहा है, पर उसे ये फ़ायदा तो देखना चाहिए कि इस सरकार से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। अब योगी सरकार कितने साल से आ रही है? तकरीबन 15 साल, 10 साल तो होली हो गए, 10 साल मोदी जी को, अब लो ये बता दोगे किसान को ये लाभ हुआ जी? किसान तो वहाँ डंडे खा रहा है और आंसू खा रहा है। अब जो पढ़े लिखे नौजवान है, पढ़ लिख रहे हैं, उसके लिए क्या करा? 4 साल कर दे, 4 साल में क्या करेगा वो? 4 साल तो अपना फावला बजाएगा, किसान वैसे भी कमा लेगा। ये बात जो है, ये जो गुस्सा है गठबंधन को लेके, जो लोगों की नाराजगी है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि ये थोड़े समय के लिए है या लंबी बनी रहे? नहीं देखो, ये जो गठबंधन है गठबंधन जो है, ये अब ये गठबंधन में आए हैं, उसके बाद अगर सही काम चलेगा, काम विकास अगर क्षेत्र में होगा तो आगे को भी जोड़ेंगे आदमी। जैसे हम ही चले गए, हम मानने के बाद हमारा कोई काम चौकी में हो गया है, हम दरोगा पास हम गए चौकी में, जो हमारा ये काम होना है, देख रहे तो मुस्लिम है, इसका काम नहीं होने का। अगर हमारी हमारे पक्ष में दूसरे पक्ष का वो गैर ईमान मतलब हिंदू है, उसका काम हो रहा है, हमें भगा दे, हमसे चल यहाँ, तेरा क्या मतलब? क्योंकि कौम पक्ष पे काम चल रहा है, मुसलमान की तो कम मतलब इस तरीके से क्यों फील कर रहे हैं आप? ये मानते हैं कि मुसलमान जो है वो कहीं हाशिए पे रख दिया गया है? मुसलमान की तो सुनाई नहीं होती जी, कहीं भी चले जाओ कोई सुनने को तैयार नहीं है, बल्कि पूछते हैं कि तेरा नाम क्या है, कि मेरी तो पहचान हो रही, मैंने टोपी ओढ़ रखी और दाढ़ी है। अगर मुसलमान है उसकी कोई पहचान नहीं हो रही, तो उसकी अधिकारी ये पूछते हैं तेरा नाम क्या है, अगर ये पता लग गया मुसलमान है तो उसका काम ही नहीं होने का। अब आपको उम्मीद है कि अगर RLD से गठबंधन होने के बाद यहाँ से राजकुमार सांगवान जीतते हैं तो आपकी बात भी होगी, यहाँ डेवलपमेंट भी होगा, काम भी होगा? हाँ, उम्मीद तो है, क्योंकि अच्छे नेता जी बहुत अच्छे आदमी हैं सांगवान साहब, ऐसी बात नहीं है, अकेले बूता है उनमें कि वो करवा लेंगे। हाँ उम्मीद है जी, उम्मीद है। आप कुछ कह रहे हैं जी? बताइए आप अभी जो मैं सवाल ये है कि नौजवानों में देख रहे हैं कि बड़ी नाराजगी है कि साहब उनसे गठबंधन कर लिया। नहीं, उन्होंने गलत नहीं किया गठबंधन करके। जो योगी सरकार है उन्होंने खिवाई के एक रिक्वेस्ट पे 6 करोड़ रुपए खिवाई उसको दिया है मेरठ जिले को, राजकीय हाई स्कूल के लिए। आप बताइए, आप जिसमें से खिवाई में राजकीय हाई स्कूल है जिसके लिए 30 लाख रुपए पास हुए हैं, खिवाई में जो सरकारी अस्पताल था वो खंडर पड़ा था, उसके लिए डॉक्टर अलाउ किए हैं, जो लगभग 1 महीने में खिवाई अस्पताल तो तुम्हारा बंद पड़ा है अभी, मुल्ला जी बता के जब कोई खिवाई का आवाज़ नहीं उठाएगा कहाँ से होगा विकास, आप ही बताओ ना।
वहां तक पहुंचनी चाहिए। कौन अधिकारी नहीं सुन रहा? विधायक एमपी एमएलए सब तो हैं आपके यहाँ। एमपी एमएलए को कमाने के सिवा कोई फुर्सत नहीं है। वहां तक नई जनता की बात पहुंचनी थी, कहां से सुनवाई होती, आप ही बताओ। बीजेपी का या आरएलडी का जो बीजेपी के साथ आएगा तब उसके बाद ये मान लिया जाएगा वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा? नहीं, बीजेपी भ्रष्टाचार नहीं करेगी। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार सपा की सरकार में हुआ है और उसी की देन ये खिवाई पीछा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नेक मोहम्मद, प्रदेश मंत्री हिंदू वाहिनी का प्रतिनिधि, श्री नागेंद्र प्रताप। तभी तुम जो है उनके मुल्ला जी की बात को काट रहे हो, बाकी लोगों की बात क्यों? काटने की बात नहीं है। आप बताइए, मंसूरपुर से एक है मोइन अहमद, वो पढ़े हैं, आईएएस बने, कौन कह रहा है कि सरकार नौकरी नहीं दे रही मुसलमान को? आप ही बताओ। ये इसका नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से नहीं, जब पढ़ेगा नहीं मुसलमान, वो तो अपने आप पढ़ के हुए। आप ही बताओ, जब पढ़ेगा नहीं मुसलमान आगे कहाँ से पढ़ेगा? जब पढ़ेगा नहीं उस लेवल का तो कहाँ से नौकरी मिल जाएगी? नहीं, पहले तैयारी करो, दिन रात मेहनत करो, खुद ही नौकरी मिलेगी। जब तैयारी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 19 साल है। 19 साल की उम्र में नेतागिरी कर रहे हो, तुम कहाँ पढ़ रहे हो? कौन? मैं प्राइवेट MBBS करने की तैयारी में हूँ। प्राइवेट MBBS कहाँ से होता है, कैसे होता है भाई? प्राइवेट MBBS ऐसा होता है, नीट क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद रशिया जाएंगे, वहाँ से MBBS करेंगे, 6 साल बाद यहाँ पे आके एग्जाम देंगे, उसके बाद हमें डॉक्टर। तो और ज्यादा रेगुलर हो गया, घर छोड़ के जाना पड़ेगा? नहीं, जब कुछ पाना है कुछ तो खोना पड़ेगा ना, घर तो खोना ही पड़ेगा। प्राइवेट कहाँ हुआ मेरे भाई? क्यों प्राइवेट क्यों नहीं है, आप ही बताइए। गवर्नमेंट जाके नहीं, ये कोई नहीं, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ो। यस, प्राइवेट कॉलेज जी। चलो, अच्छे विचार हैं आपके। हाँ, जब तक पढ़ेगा नहीं मुसलमान आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक पढ़ेगा नहीं नहीं बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात है कि जब तक कोई पढ़ेगा नहीं आगे नहीं बढ़ेगा, और ये बात केवल मुसलमानों पर ही नहीं सब पर लागू होती है। साथ ही युवाओं में इस गठबंधन को लेकर जिस तरीके का आक्रोश है और सवाल वो खड़े कर रहे हैं, वो भी अपनी जगह ठीक इसलिए है कि जो क्रेडिबिलिटी है किसी भी दल की, किसी भी नेता की, वो कहीं ना कहीं इससे ख़त्म होती है, कम होती है, क्योंकि जो जनता है वो अपने नेता पर विश्वास करती है, और जब नेता पलटी मार जाते हैं तो उनका विश्वास डगमगा जाता है। देखना ये होगा कि इस लोकसभा के चुनाव में आरएलडी बीजेपी का जो गठबंधन है ये कितनी दूर तक जाता है चुनाव बाद, ये देखने वाली बात होगी। और जो बाकी के गठबंधन हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर अकेले आने वाली पार्टी हो, वो कितना इस चुनाव में परफॉर्म कर पाती है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, खिवाई कस्बा, मेरठ।